وشفيع قلوبنا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد लाऊ नहीं है तो क्या फायदा। निशा साहब तशरीफ लाए, इधर आइए, इधर आइए, आ जाइए आप लोग, दरवाज़ भाई आइए, तशरीफ आइए। ये बहुत ही मशहूर मारूफ हदीस की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, इसमें इशाद हो रहा है कि जो मोहब्बत अहले बैत पर मरता है वो शहीद मरता है। इस कायनात में आने के बाद सभी को मौत आती है और सभी को मौत आएगी। ये कुछ ऐसे हैं कि जो मरते हैं तो मर जाते हैं, मगर यही मौत जब हमारे और आपके करीब आती है तो ज़िंदे जावेद का पैगाम देके जाती है। लिहाजा जो भी मोहब्बत अहले बैत पर मरता है या जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत है वो मरता नहीं है बल्कि ज़िंदा रहता है। और ज़ाहिर सी बात है कि जो ज़िंदा रहता है उसी के लिए नज़र व नियाज का सवाब पहुँचाया जाता है, मजलिस हुसैन के ज़रिए से सवाब पहुँचाया जाता है, क़ुरान मजीद की तिलावत करके जो है उसे सवाब पहुँचाया जाता है, और भी बहुत से ज़राए हैं कि मरने वालों को सवाब पहुंचाया जाता है। जिस तरह से दुनिया में एक दूसरे से मुतमन्नी रहता है उसी तरह से मरने के बाद भी मरने वाले मुतमन्नी रहते हैं कि जिनको हम छोड़ के आए हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं और वो हमें क्या दे रहे हैं। लिहाजा ज़रूरी यह है कि जिस तरह से ज़िंदगी में एक दूसरे का ख्याल रखता है उसी तरह से मरने के बाद भी इनको छोड़ के गए हैं उस मरने वाले को याद किया जाए, मजलिस हुसैन के ज़रिए से सवाब पहुंचाया जाए, नज़र व नियाज के ज़रिए से सवाब पहुंचाया जाए, क़ुरान मजीद की तिलावत करके सवाब पहुंचाया जाए, है ना। गरीबों को, कमज़ोर लोगों को उसके नाम के ऊपर खाना खिला के सवाब पहुँचाया जाए, यानी जितने सवाब जारिया हैं उन तमाम उमूर को अंजाम दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मरने वाले को सवाब पहुँचता है। एक वो लोग होते हैं कि ज़िंदगी में बड़ा ख्याल रखा है ना, और मरने के बाद फरामोश कर गए कि हमने तो बहुत सवाब पहुँचाया, उनकी खिदमतों को अंजाम देते रहे, है कि नहीं है। अब वो चले गए हैं तो अब क्या ज़रूरत है कि उनको सवाब पहुँचाया जाए, ऐसा नहीं है। जिस तरह से अगर नालायक औलाद हो जाए, माँ बाप के कहने में नहीं है तो माँ बाप नाराज़ हो के औलाद को आँख कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो आँख शुदा औलाद है उसके लिए बड़ी मुश्किल दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। यहाँ भी अच्छी नज़र से ऐसे लोगों को नहीं देखा कि ये कैसा इंसान है कि जिसका बाप, जिसकी माँ नाराज़ हो के इसने आँख कर दिया, तो जो चाह रहे हैं। और मगर वही औलाद जो आँख शुदा है मरने के बाद माँ बाप को याद रख रही है, जितने सवाब के ज़रिए ज़राए हैं उनके ज़रिए से वो सवाब पहुंचा रहा है, तो हुजूर फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम उस आँख नामे को ख़त्म कर देता है। दो चीज़ें हैं, औलाद से नाराज़गी की बुनियाद के ऊपर माँ बाप ने आँख कर दिया, लेकिन मरने के बाद वही औलाद जो है सवाब पहुंचा रही है,
नज़र हुसैन के ज़रिए से, मजलिस हुसैन के ज़रिए से, क़ुरान मजीद की तिलावत के ज़रिए से, और किया है आपने। तो पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह उस आखनामे को ख़त्म कर देता है, और एक वो औलाद है कि ज़िंदगी भर माँ बाप की खिदमतों को अंजाम देती रही, और इसी आलम में माँ बाप दुनिया से चले गए। तो ये बेटे के दिल में ख्याल आया कि माँ बाप तो हमसे खुश हो के गए हैं खिदमत की बुनियाद के ऊपर, अब मर गए तो अब उन्हें याद रखने की क्या ज़रूरत है। तो हुजूर फरमाते हैं कि परवरदिगारे आलम आखनामा तैयार कर देता है। सुन लीजिए आप, ये दोनों पहलू हैं, है ना। नाराज़ हो के गए, औलाद सवाब पहुंचा रही है तो अल्लाह आखनामे को ख़त्म कर देता है, और माँ बाप औलाद से खुश हो के गए हैं तो अब सवाब पहुंचाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस कर रहा है। तो हुजूर फरमाते हैं कि परवरदिगारे आलम आखनामा तैयार कर देता है। अल्लाह को पावर है, अल्लाह को अख्तियार है, अल्लाह सुपर पावर है, वो आख कर देता है। तवज्जो चाहे तो ये हमें कैसे मालूम हुआ, ये मजलिस हुसैन के ज़रिए से। सुन लीजिए, हमारे यहाँ तबलीग का कोई ख़ास और माकूल ज़रिया कभी नहीं रहा है। हमें जो कुछ मिला है वो मजलिस हुसैन के ज़रिए से, जो कुछ मिल रहा है मजलिस हुसैन के ज़रिए से, जो कुछ मिलने वाला है वो मजलिस हुसैन के ज़रिए से। अगर ये मजलिस ना होती तो ना हमें अल्लाह की मारफत पैदा होती, ना अहले बैत की मारफत पैदा होती। सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस मजलिस में आने के ये फयूज़ो बरकात हैं कि हमें अगर कुछ भी ना मिला, ये तो हम मान ही नहीं सकते कि हमको कुछ नहीं मिला। अरे जहाँ जिस बारगाह में कुछ नहीं मिलता है तो कुछ ही दिन लोग जाते हैं। और जो चाह रहे हैं आप, भाई एक दो दिन गया, कोई भी फ़कीर है किसी दरवाजे पर दक्कुल बाप करे दो तीन दिन, तो वो भी कहेगा भैया लगता है कि घर में कोई नहीं है क्या, सब मर गए क्या। हम चिल्ला रहे, नहीं भी देना है तो कह तो देना चाहिए कि भैया चले जाओ, आज कुछ नहीं है। तवज्जो चाहिए, ये दुनिया में तो मिल सकता है कि चले जाओ कुछ नहीं है, दर अहले बैत पर नहीं मिलेगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के। ये सब कुछ हमें मिला है ना, ये फर्श अज़ा की बुनियाद के ऊपर। इस फर्श अज़ा को हल्के में ना लीजिएगा, हल्के में वही लेता है जो खानदानी हल्का होता है। देखिए कि कैसी कैसी शख्सियतें आती हैं जो कहीं नहीं जाते, उनको भी आना पड़ता है। हो गया है आपने, बहुत नाक वाले आपको मिलेंगे, बड़ी लंबी नाक होती है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, बस वो इसी पर भना रहे हैं कि दादा हमारे बालिस्टर थे, है कि नहीं। अब्बा बहुत बड़े ओहदे के ऊपर सर भी आओ, तो मर गए, जाओ कब्रे चले जाओ, भाई जब थे तब थे ना, अब क्या हो, है ना। तो बहुत से लोग इसे, अरे साहब हमारे यहाँ वतन में हमारे खानदान में बहुत बड़े मौलाना गुजरे हैं, अरे भाई तो गुजर गए ना, अब देखो कि कौन है। तो जो चाह रहे हैं आप, और क्या है आपने। अरे साहब हमारे दरमियान में हुजूर आए थे, ये भी एक कमाल है कि चरवाहों के दरमियान में अल्लाह ने हबीब को भेजा, वरना हुजूर ऐसे लोगों के दरमियान में आने वाले थे लेकिन जानवरों को इंसान बनाने के लिए आए थे, है ना। वरना ऐसे के दरमियान में अल्लाह अपने हुजूर को भेजता, अपने नबी को भेजता। जहां ज्यादा गुमराही होती है वहीं नबी आते हैं, है ना, वहीं पैगंबर आते हैं। तवज्जो चाह रहे हैं आप। तो अगर पूरा मुआशरा अच्छा बन जाए तो तबलीग की ज़रूरतें नहीं है। लेकिन लोग तो ये समझते हैं कि तबलीग करना सिर्फ मौलाना का काम है, है ना। कभी कोई एक कप चाय भी नहीं पिलाए होगा, वो भी दावे से कहता है कि आलिम है तो पढ़ेंगे नहीं मजलिस, मौलाना तो पढ़ेंगे नहीं, जैसे लगता है कि इनके बाप की कमाई से उसने मौलवी पढ़ा। मौलो दावा, अरे साहब कैसे नहीं पढ़ेंगे, आलिम दीन है, मौलाना है, है ना। तो उसके भी तो कुछ फ़राइज हैं, उस पर नज़र नहीं है। खुदा की कसम इस कायनात में, है ना, सबसे खुराफात की जो जड़ है ये दो अंगुल की जुबान है। जो चाह रहे हैं आप, अगर ये अच्छी चलेगी तो
गैर भी अपने बन जाएंगे और जब ये खराब चलेगी तो अपने भी गैर बन जाएंगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के। हमारे और आपके दरमियान रहने बहुत से ऐसे इंसान है कि अरे यार हम ऐसा बोले कि डर के मारे चुप हो गए। और क्या आपने, ये मेयार बन चुका है बहादुरी का, हमारे सामने कुछ टिकता नहीं है। हम जब बोलते हैं तो लोगों के कदम पीछे हट जाते हैं, ये उसकी शराफत है कि उसके कदम पीछे हट रहे हैं। आपकी बदनसीबी है कि आपकी जुबान चल रही है। अल्लाह ने जुबान इसलिए थोड़ी दिया है कि आप किसी को जलील करें, आप किसी को रुसवा करें। हुजूर फरमाते हैं कि वो बदतरीन इंसान है कि जिसकी जुबान से लोग खौफ महसूस करें। तो लीजिए आप, ये हुजूर फरमा रहे हैं, कब तक दुनिया में रहिएगा बताइए। आज हम बोल रहे हैं, उतरने के बाद या बोलते ही बोलते कोई जिम्मेदारी ले सकता है कि आप 10-20 साल जिंदा रहेंगे? बोलते बोलते जा सकते हैं, मिंबर से उतरते उतरते जा सकते हैं। यही जिंदगी की कीमत है कि किसी को मालूम नहीं, लेकिन आने के बाद चाहता है कि जनाब जो कुछ नहीं है वो सब हो जाए। तो अल्लाह सब कुछ कर भी देता है ना। ख्वाहिश हुई कि हमारी औलाद पढ़ लिख के जो है कामयाब हो जाए, कामयाब हो गई है ना, कामयाब तो हो गई, डॉक्टर इंजीनियर बन गया तो इंडिया में रहेगा, वो अमेरिका में है, कनाडा में है, लंदन में है। आपने पैसा खर्च करके डॉक्टर इंजीनियर बनाए तो अमेरिका में है, आपके घर में है, आप अपने घर के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और क्या आपने, अब अखबार पढ़ें, न्यूज़ देखें, है कि नहीं। ये तरक्की का आलम है कि अब औलाद पैसा भेज दे रही है ना, किसी को मुइन कर दिया। जो सवाब हमको लेना चाहिए था हमने वो सवाब दूसरों के हवाले कर दिया, अब पैसे पर खिदमत हो रही है। अगर हमारी तरबियत में ज़र्रा बराबर माँ बाप कोताही कर गए होते तो हमारा वजूद ख़राब हो गया होता, हम समाज में मुंह दिखलाने के काबिल ना होते। यानी माँ पैदा करने के बाद जिस तरह से बच्चों की खिदमत करती है कि नहीं, हमा वक्त उसकी नज़र रहती है कि मेरे बच्चे का सर तिरछा ना होने पाए। भाई बात देखा कि बच्चों का सर जो है दब जाता है वो तसावली की बुनियाद के ऊपर। तो उसने हर तरह से खिदमत करके आपको इस काबिल बनाया कि आप समाज में सर बुलंद करके चल सकें, है ना। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ने जितनी भी नेमतें दी हैं और जिसमें इंसानी में जो चीज को जहां रहना चाहिए वहीं रखा। अगर ये आंखों को पेशानी के ऊपर रख देता तो आप किसी को आसानी से देख सकते थे, है कि नहीं। कान को जो है आपके सर के ऊपर रख देता तो कितना भद्दा इंसान नजर आता। लिहाजा जिस चीज को जहां होना चाहिए था कुदरत ने वहीं सेट किया। जो जितनी जिसमें इंसानी में कीमती चीज थी उसको वहीं रखा, है ना। दिल और दिमाग जिसमें इंसानी में सबसे बुलंद होते हैं, लिहाजा दिल को सीने में रखा और दिमाग को सर के अंदर रखा, है कि नहीं। आंखों को सामने रखा कि आंखों की चीजों को देख सको, पहचान सको कि आने वाला कौन आ रहा है। हमेशा दुनिया में टकराव इस बात पर हुआ है कि हर एक ने एक दूसरे को अपने जैसा समझा। जो चाह रहे हैं, अरे भाई आलिम आलिम है, पढ़ा लिखा इंसान पढ़ा लिखा है, है कि नहीं। लेकिन क्या कहिएगा, होंगे पढ़े लिखे अपने घर के लिए, हम उनसे कम है। ये जुमला ही बता रहा है कि आप कम है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। जो चाह रहे हैं आप ये बताइए कि हीरा कभी कहता कि पहचानो हम हीरा हैं, है? सोना चांदी आज तक सुना है आपने? उसने कहा हो कि ये भैया कहाँ जा रहे हो, पहले देख के जाओ हम सोना हम चांदी हैं, है कि नहीं। लेकिन जो जौहरी होता है, अरे संगरेजा भी आता है तो कलमा पढ़ता है, इसलिए कि वो जान रहा है कि किसके हाथ पर आए हैं। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
हुजूर फरमाते हैं कि वो बदतरीन इंसान है कि जिसकी ज़ुबान से लोग खौफ महसूस करें। यहाँ क्या है, हमारे सामने तो कोई टिक नहीं सकता। अरे आज कोई टिक नहीं सकता, कर टिकटी पर ले जाए जाओगे नहीं आप। और तो बच्चों ने जाहिर सी बात है कि तालीम आला हासिल करके जो समझेंगे नहीं कि टिकटी क्या होती है ना। हमारे यहाँ जनाजा जो है जिस ताबूत पे जाता है तो हिंदू के यहाँ बांस का बना के उसके ऊपर ले जाते, उसी को साइज टिकटी कहते हैं, है कि नहीं। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं कि जिसको मादरी ज़ुबान कहता है, ज़ुबान कही जाती है, वो कहीं किताब में नहीं मिलेगी, किसी लुगत में वो अल्फाज नहीं मिलेंगी, लेकिन माँ ने आगोश में पाल पाल के कितनी ज़ुबान का मालिक बना दिया है कि नहीं। बाप ने तरबियत करके चलने और उठने बैठने का सलीका सिखा दिया, और किया जा आपने, ये अल्लाह का करम है कि हाथ में जितनी भी चीज़ें हैं, जिसमें इंसानी में जितनी भी चीज़ें हैं, जहाँ होना चाहिए, अगर ये कदम हाथ की जगह पे होते तो आप चलते कैसे, है ना। ये हाथ कदमों की जगह के ऊपर होते तो आप क्या कर सकते थे, कैसे खा सकते थे, कैसे पी सकते थे, कैसे दूसरों का ख्याल कर सकते थे। लिहाजा अल्लाह ने हर शय को अपनी जगह के ऊपर रखा, ये उसका करम है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हाथ और पांव की उंगलियों में पांच के बजाय छह उंगली हो गई तो घर का नाम और है, मोहल्ले वालों ने नाम कुछ और रख दिया, और क्या जा पे? आप बचा नहीं सकते, ये भैया देखो छांगुर जा रहे हैं, है? नाम माँ बाप ने पंजतन रखा, सच्चे ने हुसैन रखा, हसन रखा, और मोहल्ले वालों ने छांगुर रख दिया। तो ये अल्लाह का करम है ना कि जो चीज जितनी होनी चाहिए थी उतनी ही अता किया। अब बाद लोग कहते हैं कि साहब उनको तो दौलतमंद बना दिया, हमको गरीब बना दिया, वो चार मंजिला महल में रह रहे हैं, हमारे पास रहने के एक मंजिला भी नहीं है। वो जानता है कि कौन कहाँ रहेगा तो अपनी औकात में रहेगा। वो चार मंजिले के महल में रह रहे हैं तो उनसे वैसा ही हिसाब होगा कि बड़े मियाँ चार मंजिला पे रह रहे थे, फकीर के आवाज देने पर उतरने में दिक्कत तो नहीं महसूस हुई। सात मंजिला, सातवें मंजिले पर बड़े मियाँ हैं, बहुत पैसा है, फकीर नीचे आवाज दे रहा है, कोई है कि हमारी झोलियों को भर दे, है कि नहीं। अल्लाह ने हाथ पांव तोड़ के ऊपर बैठा दिया, बैठे रहिए, जाने ही नहीं नीचे, इतनी जमीन नहीं कि नीचे उतर सके ना। बहुत से लोग, हम ही लोग हैं, दो मंजिला पर चढ़ते जाते हाँपने लगते हैं और सात मंजिले पर है ना, तरक्की करके सातवें मंजिले पर, अच्छा हुआ कि चौथे मंजिले पर नहीं थे, है ना, सातवें मंजिले पर। और फकीर आवाज दे रहा है कोई जो खिला दे, है जो पानी पिला दे, है जो कोई हमारी जरूरतों को पूरा कर दे, तो जो चाह रहे हैं आप। अल्लाह ने आपको इस काबिले नहीं समझा कि किसी जरूरत को आप किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर सके, बैठे रहिए वहीं के ऊपर, एक सवाब से महरूम हुए कि नहीं हुए, है ना। लोग कहते हैं साहब ये बहुत तरक्की का ज़माना है, बहुत आगे बढ़ चुकी है दुनिया। क्या तरक्की है कि पहले ज़माने में खाना रात में बच जाता था और कोई साइल आवाज़ देता, हम भूखे हैं खाना खिला दो, तो लोग दे देते, दे भैया सुबह होते ख़राब हो जाएगा, लिहाजा वो भूखा उसको खिला दो, उसकी भूख ख़त्म हो जाती थी। अब तरक्की किया दुनिया ने तो घर में फ्रिज आ गई, अब फ़कीर नहीं अपना बाप भी आ जाएगा तो खाना नहीं मिलेगा, बीवी साहिबा को मायके जाना है, चार दिन के बाद आना है, सालन तैयार कर दिया, और भी चीज़ें जो है पुलाव उला बना उना के बिरयानी जो है, कहा सुनिए परेशान मत होइएगा, चार दिन का राशन फ्रिज में रख दिया, आप खाइएगा। तो जो चीज़ खराब होने की बुनियाद पर फकीरों को दी जाती है, औरतें अपने शौहरों को फकीर समझ के चार दिन का बासी खाना खिला, मिलेगा ताज़ा खाना, गरीब होते थे लेकिन लकड़ियों को चुन के मार,
जला के ताजा बच्चों को खाना खिलाती थी, शौहर को भी खिलाती थी। अब खाइए बड़े मियाँ बासी खाना, मुकद्दर से ताज़ा खाना उठ गया है ना, रात की रोटी बच गई उसी को गर्म कर दिया ना। और तरक्की का ये आलम है, कहो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर है ना। अब जो माएँ होशियार होती हैं वो बच्चों को बहुत आसानी से, बेवकूफ़ है तो वो भी तो बच्चा इन्हीं का है, वो देखता रहता है कि अम्मा का क्या बर्ताव है, क्या सलूक है। रात की रोटी है, अगर वो देगी तो बच्चा नहीं खाएगा कि ये बासी है कि नहीं, तो उसमें घी वगैरह लगा उगा के इधर से उधर कर दिया तावे के ऊपर, उसको पेश कर दिया, कहा बेटा ये बेहतरीन पराठा है। हमने एक जहाँ कहता हमका भैया तो तंदूरी पराठा है कि नहीं, खाने में खा गया बेचारा। तब जाहिर सी बात है कि जब ये मंजर बचपने में उसने देखा है और जब आप चरपाई पर आएंगी तो बहू भी तो ऐसे ही सलूक करेगी है ना, है ना। अब वो पूछेगा ना बहू से, क्या दे रही अम्मा को नाश्ते में? कहा वही रात की रोटी बची थी, उसका बेहतरीन पराठा जो है सेक के हम दे देंगे, है ना, इसलिए कि जब होने वाला शौहर बचपने में यही खाया है तो उनको ताज़ा नाश्ता मिलेगा। तो जैसा करेगा साहब सामने आएगा, सुन लीजिए आप ना यार, आप बता दे तारीख उठा के या किसी मौलवी मौलाना से पूछ ले कि मोहम्मद और आले मोहम्मद ने किसी को जलील किया हो, किसी को रुसवा किया हो, कहीं आपको नहीं मिलेगा। दुश्मन भी आता था तो दोस्त से रेदा उतार के बिछा देते थे, उस बिछाने का ये असर होता था कि आता था दुश्मन बन के, जाता था दोस्त बन के। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के, जो कमजर्फ होते हैं वो कमजोरों के सामने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं, जो बुजदिल होते हैं, कमजर्फ होते हैं, कामदानी जलील होते हैं, वो कमजोरों के सामने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं। लेकिन जो बावकार होते हैं, साहिब इज्जत होते हैं, खानदानी होते हैं, और जो चाह रहे हैं आप, वो चाहें तो रुस्वा जलील कर सकते हैं, इंतकाम ले सकते हैं, बदला ले सकते हैं। इंतकाम और बदला ले लेना ये शराफत का मेयार नहीं है। ताकत और कुव्वत होते हुए सब्र तहम्मुल से काम लेने का नाम बहादुरी है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर, हुजूर फरमा रहे हैं कि वो बदतरीन इंसान है कि जिसकी जुबान से लोग खौफ महसूस करें। ये किसी एक के लिए नहीं है, पैगंबर सबके लिए पैगंबर बन के आए थे, नबी सबके लिए नबी बन के आए थे, तो उनका कौल किसी एक समाज के लिए नहीं था बल्कि कायनात के हर तबके के लोगों के लिए था कि देखो ऐसी जुबान न इस्तेमाल करना कि कोई अपने लिए सुबकी महसूस करे। और क्या जाए कि दुनिया में आने के बाद, देखिए इस्लाम से बेहतर तो कोई दीन ही नहीं है, इस्लाम से बेहतर कोई मज़हब नहीं है, लेकिन ये कमी हमारे और आपकी है कि बड़े मियाँ हैं तो कोई छोटा पहलू में बैठ नहीं सकता, ये सोफे पर बैठे हैं तो कमज़ोरों के लिए कुर्सियाँ लगा दी गई। तो जो चाह रहे तो ये हमारे और आप क्या हो सकता है, बारगाहे अहले बैत में ये नहीं हो सकता, वहाँ तो फर्श बिछा रहता था ना, और जहाँ बैठे हुए सबको बैठा लें, बैठने के नहीं। तो जो आला जर्फ होते हैं उनका मिजाज ये होता है, और जो कम जर्फ होते हैं उनका मिजाज ये होता है कि इनके बैठने की जगह और होती है ना, और लोगों को बैठने की जगह और होती है। तो ज़माना तो बदलता रहता है भैया, आज हम अमीर हैं कल कोई गरीब है, औला सब नालायक निकल गई, भेजा था बड़े शहरों में पढ़ने के लिए, वो लोफड़ी करता रहा, घूमता रहा, कम बस पढ़बे नहीं किया है कि नहीं, और एक कमज़ोर था इसने मेहनत करके मजदूरी करके बच्चों को आला तालीम दे दिया,
तो ये जो बड़े मियाँ थे ना अहली की बुनियाद के ऊपर औलाद के, अब ये गरीब हो गए, और जो कल का गरीब था तरक्की करके अच्छी तालीम दे के बच्चों को, उसके बच्चे आला दर्जे पर पहुंच गए। तो हालात बदलते रहते हैं। जब आप किसी की कदर करेंगे तो आप जितना चाहे गिर जाएं, देखने वाला आपकी कदर करेगा कि साहब ये साहिब इज्जत हैं। हम जैसे गरीब पहुंचे थे दरवाजे पर तो बगैर चाय नाश्ते के जाने नहीं देते थे। लेकिन अजीजों याद रखिए, चेहरा देख देख के दस्तरखान लगाना और है। जो चाह रहे हैं आप है कि नहीं? नहीं बैठिए बैठिए, बाद में जाइएगा। कहा है कुछ इंतजाम है खुर्दनोश का, करके जाइएगा। और ए भैया जाइए, तबरुक बट रहा है, खत्म हो जाएगा, जल्दी जाइए, है ना। तो ये हमारे यहाँ तो हो सकता है, तवज्जो चाह रहे हैं आप। अरे भी खाना भी खिलाएंगे तो क्या खिलाएंगे? वो खाना एक दिन का खाने वाला पेट में 6 महीना रहेगा। तो खिलाने के लिए इनको रोक लिया, उसको भेज दिया, जाओ भैया तबर्रुक लेके चले जाओ। और वो तबर्रुक लेके गया तो तन्हा नहीं खाया, तमाम बच्चों के दहन में डाला, ताकि जो तबर्रुके हुसैन खा लेगा कयामत तक उसकी नस्ल में हुसैन के अजादार पैदा होंगे, गद्दार पैदा नहीं होंगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। तबर्रुक की अहमियत को समझ रहा है। तब जो चाह रहे, दो बिस्किट ही मिल गया तोड़ तोड़ के बच्चों के दहन में, ये बेटा खा लो, ये तबर्रुके हुसैन है। वो जानता है इनके दहन में ये तबर्रुक चला जाएगा, वो हुसैन का कयामत तक वफादार रहेगा, उसकी नस्लों में वफादार पैदा होंगे। और जो कहते हैं मत खाओ, तो ऐसी बात है, गद्दार से थोड़ी हजम होगा ये तबर्रुक, है ना। आप देखिए जो बुजुर्ग कुछ बैठे हुए हैं वो बताएंगे, है कि नहीं, कि पहले असली दूध असली घी चलता था, है ना। अब जो बच्चे शहर में रह गए हैं वो आदि हो गए, भाई जो चीज़ मिल रही है वही ना खाएंगे। वो देहात में चले गए, है कि नहीं, वहाँ असली दूध मिल गया, पेट खराब हो गया। माँ बाप भी भाई भैया क्या हो गया, वहाँ भी दूध पीता था, यहाँ भी दूध है, वहाँ हजम कर जाता था और यहाँ हजम ही नहीं कर पा रहा है। तो जो चाह रहे हैं आप। अच्छा उसी तरह जो लोग देसी घी खा चुके हैं, है ना, डालडा जब आया है तो बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ा, इसलिए को देसी घी खाने के आदि थे, मैदा तो उसका आदि हो गया था। अब लोग कहते हैं कि साहब ये अच्छा दीन है, आज क्यों नहीं लोग मानते? लेकिन जो नकली दीन का आदि हो चुका है, तो जो चाह रहे हैं आप है? तो ये मोहम्मद और आले मोहम्मद का दीन उनसे हजम होगा कभी नहीं, है ना। तो 3 दौर के बाद जब ये दौर आया है तो देखा कि यहाँ तो सबका हक मिल रहा है, अब मिल नहीं रहा है, सबका हक उसके घर तक पहुंचाया जा रहा है, तवज्जो चाह रहा है। तो फर्क यही है कि जो लूटने का आदि हो जाता है वो चाहता है कि मरते दम तक लूटते रहे, और जो लुटाने का आदि होता है मरते दम तक लुटाता रहता है, खिलाता रहता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। लिहाजा इस दुनिया ने किसी के साथ वफा नहीं किया। लेबिया साफ कीजिए, हम आपको नहीं कहते, हम अपने को कहते हैं, जानते सब हैं मगर समझते नहीं। मासूम फरमाते हैं किसी कब्रिस्तान में चले जाओ, वहां से सबक हासिल करो, वहां से दर्स लो। ये जो सो रहे हैं इनको शहर खमोशा कहा जाता है कि नहीं? ये हमारे ही तरह तो चलते थे, हमारी ही तरह तो गुफ्तगू करते थे, हमारी ही तरह तो वो खाते पीते थे, है कि हमारी ही तरह तो वो सलाम और प्याम में मसरूफ रहते थे। आज कुछ भी नहीं, मोहताज है हमारे सूरह फातिहा के, मोहताज है नजर न्याज के, मोहताज है सवाब के, है ना। तो हम हमेशा रहेंगे भाई, मरने के बाद हम भी तो मोहताज हो जाएंगे कि जिनको छोड़ के आए वो हमको क्या दे रहे हैं, है ना। बहुत से ऐसे
ढीठे लोग आप मिलेंगे, अरे साहब हम इनकी सात पूछ को जानते हैं, मगर खुद अपने औलाद को नहीं समझ रहे कि वो घर से निकल रहा है तो कहाँ जा रहा है। अरे साहब हम पूरे खानदान को जानते हैं, जबकि तीन पुरुष खुद खानदान का आता पता नहीं है, कहाँ से आए थे, कौन लोग थे, क्या है क्या नहीं है, इससे क्या फायदा बताइए। तो जो चाह रहे हैं, अरे साहब हम की सात पुरुष को जानते हैं, तो जो चाह रहे हैं। अरे बहुत से लोग भी सात पुरुष को जानते थे, लेकिन दरमियान में ऐसे बाकमाल पैदा हुए कि आज तक कोई पैदा ना हुआ। सलमान फारसी आतश परस के बेटे थे, लेकिन अपने किरदार को, मोहम्मद के किरदार को देखकर इतना बुलंद कर दिया कि ईमान के दसवें दर्जे पर पहुंच गए। अब कहो कि इनके दस पुरुष को जानते हैं, अब सलमान कहेंगे कयामत तक की नस्ल को हम जानते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। अरे साहब अबू ज़र को हम जानते हैं, तुम क्या जानोगे जी अबू ज़र को, क्या अबू ज़र क्या थे? इमाम के चेहरे पर नजर है, जो इमाम का हुक्म हो उस पर अमल होगा। यहां माँ बाप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं ना। एक हमारे दोस्त बहुत बड़े शहर में रहते हैं, हिंदुस्तान दूसरे में, बड़ी अच्छी बात कही कि लोग टेंशन में आ रहे हैं कि क्या बात है, जो इस्लाम कहता है लोग नहीं मानते। भाई यहूदियों ने ये बात ठान लिया है और अहद कर लिया कि जो इस्लाम कहेगा हम उसके खिलाफ काम करेंगे। सुना है आप, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी चीज़ों को इस्लाम ने जायज़ करार दिया है कि नहीं, उसको हराम करते हैं। इस्लाम ने जो कहा ये चीज़ हराम है तो वो जायज़ समझ के इस्तेमाल करते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुन लीजिए आप, है ना, लेकिन गुफ्तगू को रोक के मैं कहता हूँ कि कम खाइए, कम पहनिए, बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए। तो जो चाह रहे हैं, एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पढ़ा लिखा होगा तो चोरी भी करेगा तो समझदारी के साथ करेगा। हाँ, कोई अलामत नहीं छोड़ेगा पढ़ा लिखा होगा तो। और क्या है आपने, हाँ, और जाहिल होगा तो दिनदहाड़े पकड़ा जाएगा, सारे अलामत छोड़ के जाएगा, पेन भी गिरा दिया है ना, मोबाइल जो था बढ़िया वो गिर गया चोरी के चक्कर में। चुचा रहे हैं आप, ये समझ के मत तालीम दीजिएगा कि चोरी भी करेगा तो बढ़िया तरीके से करेगा ना। इल्म जो है चोरी नहीं सिखाता, चोरों को सजा देना सिखाता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई देखिए, जो हम कह रहे हैं उसके जिम्मेदार हम हैं, जो आप समझ रहे हैं उसके जिम्मेदार आप हैं। अब मैंने कहा इमाम ने कहा था खूब अच्छी तालीम दो, जाके चोरी भी करेगा तो सोच समझ के करेगा। सुन रहे आप, अब हर जगह बात फैला दी। हसन मीर साहब ने पढ़ा था, गाजीपुर से आए थे, कहा था खूब अच्छी तालीम दो बच्चों को, है ना, इसलिए कि चोरी भी करेगा तो समझदारी से करेगा। अरे भाई साहिब इल्म होगा तो चोरी नहीं करेगा, भाई जो चोर का बेटा होगा वो तो चोरी करेगा, सखी का बेटा थोड़ी चोरी करेगा। तो जो चाह रहे हैं, जो खानदानी चोर थे आखिरे वक्त तक अहले बैत का हक खाते रहे, और जो खिलाने वाले थे कयामत तक खिलाते रहे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर, है ना, या हमारा मुकाबला उनका मुकाबला। जो चाह रहे हैं आप, जिनको खाने में जिंदगी भर मजा आया और जिनको खिलाने में जिंदगी भर मजा आया, फर्क है। जो खाने का आदी हो जाता है वो दूसरों को टकटकी नजरों से दूसरे के दस्तरखान को देखता है, और जो खिलाने का आदी होता है वो दरवाजे के ऊपर नजर होती है कि मेहमान आ जाए तो दस्तरखान बिछा दे। फर्क है। तो कहो सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। ये अल्लाह का करम है और आपकी मोहब्बत है, अल्लाह मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए। भाई अल्लाह का कब करम हो जाए ये कोई नहीं जानता। सुन लीजिए आप, ऐसे ऐसे ईसाई यहूदी जो हैं करबला के बाद यजीद के दरबार में आए हैं। आइए हुजूर, ये सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कोई सोच सकता है कि यहूदी और नसानी जन्नत में जाएगा, लेकिन कब किसका
ईमान जाग जाए, बेदार हो जाए, तो उसको जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इसलिए जन्नत की कुंजी जिसके हाथ में वो आप जानते हैं, और जहन्नम की कुंजी जिसके हाथ में वो भी जानते हैं आप, है ना। लेकिन मिंबर पर आने के बाद अच्छे जुमले लफाजी से, अब बहुत ज़्यादा खुश होइए मगर बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाइए कि अब नमाज की ज़रूरत ही नहीं है, जन्नत का परवाना हसन मीर साहब ने थमा दिया है, है ना। बहुत से लोग अपने बच्चों को अरबी मदरसे में भेज देते हैं तो खुश होते हैं कि सात पुश्त हमारी बख्श दी गई। सुने जा, अरे जो गए वही बख्श दिए जाए, बहुत बड़ी बात है, है? ना यार, हम लोग बचपने में लोग कहते थे भैया उनका बच्चा गया, तब जितने काने लूले थे सब अरबी मदरसे में भेज दिए गए, लवड़े मौली साहब जा रहे हैं। सुना यार, पर इल्म किसी के बाप की बपौती नहीं है कि दादा पढ़े लिखे थे तो बेटा भी साहिब इल्म हो गए, है ना। अब्बा पढ़े लिखे थे आलिम थे तो बेटे भी बगैर पढ़े ही आलिम हो गए। आलिम होंगे ऐसे ही कि अबू जहल के ख़ानदान से होंगे भाई, जब बगैर पढ़े लिखे आलिम कोई बनेगा और जाकिर बनेगा, है ना, तो कैसा होगा, है ना। एक साहब थे यहाँ के ऊपर आपके जौनपुर में भी, मजलिस पढ़ने का शौक़ हो गया, है ना। लोगों ने कहा कि क्या अनबन पढ़ देते हैं, कहा भैया हमको मत रोको को, हम वही पढ़ते हैं जो सब दस आप पढ़ते हैं, सुने आप, हम उन्हीं की सुन के पढ़ते हैं, सुना है आप, अपने तो अपने को उन्हों को लेके गए भाई, आलिम होगा तो संभल के ना पढ़ेगा ना। तो भाई पढ़ने के लिए इस जगह पे आने के लिए पहले अपने को इस काबिल बनाइए, ये सबके लिए मिंबर नहीं है, खुदा की कसम, ये तो देखिए कि मिंबर मिला कहाँ से है कि नहीं। वहां बगैर हाजी के कोई एक नहीं था पाजी, सब हाजी थे, हज से वापसी हो रही थी, वहां ये मिंबर बनाया गया, और जब बन गया तो इस पर पैगंबर अली को लेके अली को बुलंद किया। यहाँ आता है तो इंसान बुलंद होता है, अगर यहाँ आके किसी का मेयार पस्ती पर जा रहा है तो आलिम और मौलाना नहीं है। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। यहाँ आने के बाद मोमिनीन को जलील मत कीजिए, मोमिनीन को रुस्वा मत कीजिए, है ना। हम लाख पढ़े लिखे हो और उन्होंने तो पढ़े लिखे नहीं है, अभी लोग कहेंगे कि साहब देखा कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, जो चाह रहे खुश से अपनी तारीफ करना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपसे बता तो सच बताता हूँ, अल्लाह मरहूम के दर्जात को, उनके बिरादरान जो बहुत दूर में रहते थे बागपत से, वहाँ से आए हुए हैं, अल्लाह सब को सब्र अता करे। अब की बीमारी की बुनियाद के ऊपर हम खुद इस साल अशरे मुहर्रम में नहीं गए। अच्छा, अब सफाई भी देने की ज़रूरत है, लोग कहेंगे बुला ही नहीं गए होंगे तो गए कहाँ से, है ना। ऐसा नहीं है, हमारा अशरा बड़ा गाँव शाग में 25 साल पिछले साल मैंने पूरा किया, इस साल हमने माजरत कर लिया कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारी सेहत इस काबिल नहीं है। अच्छा, सेहत भी ख़राब थी और उसके बाद फैमिली ने कहा कि जाना नहीं है, है ना, कोरोना तलाश कर रहा है, हाँ कहीं पकड़ लिया तो अब्बा आप लोग महरूम हो जाएंगे, आपको घरे पर रहना, हम कब गया तो यहाँ ना पकड़ेगा वहीं पकड़ेगा, कहा नहीं यहाँ रहिएगा तो तस्कीन रहेगी कि सब एक दूसरे के सामने हैं। और पूरे मुहर्रम में बीमारी की बुनियाद पर एक मजलिस नहीं पढ़ा मैंने। परसों हमारे चचा गाजीपुर में इंतकाल किए तो उनके जनाजे पर 10-5 मिनट पढ़ा होगा, और आज कल जो है अहमद आगा साहब ने कहा कि पढ़ दीजिए, तो हमने पहले कहा कि नहीं पढ़ पाएंगे, हमको खांसी आने लगती है। फिर शब में सफदर साहब इन्होंने कहा कि भाई पढ़ दीजिए, हमने कहा पढ़ेंगे, है ना। तब इरादे से कहा कि अहले बैत को पढ़वाना होगा तो अबू जाने या मजलिस जाने, है ना। अब आने लगे खांसी तो हम करेंगे क्या, आप भी देखेंगे भैया तो खांस रहे हैं, है कि नहीं, तो उसी में जो है मजलिस होगी। लेकिन जिसकी मजलिस है पढ़वाता वो है, और जो चाह रहे हैं यार, और मरने वाले का खुलूस, उसके घर का खुलूस पढ़वाता है, मैं आपसे बताऊँ, है ना। ये मजलिस कहीं और दुनिया में बहुत सी कौमें, हज़ारों कौमें हैं सुन लीजिए आप, लेकिन जो अहतमाम हमारे और आपके यहाँ होता है कि नहीं, क्या बताऊं। हमने कहा था भैया बड़ी मुश्किल से हम आधा घंटा पढ़ेंगे, लेकिन वक्त ज़्यादा हो गया, है ना। तो जो चाह रहे हैं यार, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका जानना बहुत ज़रूरी है ना। मरने वाला मर गया,
हमारा हक उसके ऊपर रहा। हमने कहा हम माफ नहीं करेंगे, हुक्म है कि माफ कर दो, इसलिए कि वही हश्र हमारा भी होगा। जो मरा इंसान, हम भी तो कल मरेंगे, तब जो चाह रहा है यार। बहुत से लोग हम नहीं माफ करेंगे साहब, हुक्म है कि माफ कर दो, इसलिए कि जब तुम मरोगे तो अल्लाह तुमको माफ करेगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद भाई साहब। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए इस मजलिस के बाद एक और मजलिस है, बस मजलिस हमारी ख़त्म हो रही है। तो आप माफ़ कर दीजिए, है ना, इसलिए कि इस दुनिया में आने के बाद और ज़िंदगी गुजारने के बाद कोई मासूम नहीं रह जाता। सुन लीजिए आप, यहाँ तो बड़ी से बड़ी ख़ता होती है, वहाँ देखा जाएगा ना। यहाँ तो देखने से लोग डरते हैं कि कोई यहाँ का देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और गुनाह इसलिए भी लोग करते हैं कि अल्लाह के तो आँखें नहीं है, देखेगा कहाँ से, है ना। अरे भाई नहीं आँख है मगर सब देख रहा है कि नहीं। अच्छा नहीं भी आँख है मान लेते हैं, लेकिन महशर में आपके जितने आज़ा हैं वो आपके खिलाफ गवाही देंगे कि बड़े मियाँ ने इन आँखों से किसको किसको देखा था, इन हाथों से कितने यतीमों को तमाचा मारा था, कितनों का हक खाया था, कितनों को सताया था। सुन रहे हैं आप, ये ज़ुबान गवाही देगी कि दस्तरखान के ऊपर ये हलाल ग़िज़ा खा रहे थे कि हराम ग़िज़ा खा रहे थे। बचिएगा कहाँ यार, यहाँ तो कैमरे चलते हैं साहब कि कौन किस, अब ऐसे ऐसे कैमरे लगाए जाते हैं कि बाद में देखते हैं सब कि भैया के मजलिस में फलां साहब के ऊपर क्या असर था। सुन रहे हैं आप, तारीफ़ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे, अब बाद इतना चिल्ला के रोते हैं कि जैसे लगता है कि बाप के जनाजे पर रो रहे हैं, वो सिर्फ दिखलाने के लिए कि हमको आपकी मजलिस बहुत पसंद है। अरे उनकी मजलिस को मत पसंद करो, जिक्र हुसैन को पसंद करो। वो अपने बाप का थोड़ी तस्करा कर रहे हैं, अहले बैत का तस्करा कर रहे हैं, अहले बैत के इमाम हुसैन के मसाइब पढ़ रहे हैं। ये सोच के पढ़ो, वो चाह रहे हैं, ये सोच के पढ़ोगे तो ये मजलिस कामयाब हो, मजलिस बारगाह सैयद शोदा में कबूल कर ली जाएगी। ये अय्याम अज़ा देखिए, ये 2020 इसको लोग सदियों याद करेंगे, है ना। लोगों ने बताया कि साहब 100 साल पहले टाउन की बीमारी आती थी कि महल्ले के महल्ले साफ़ हो जाते थे, गांव की बस्ती साफ़ हो जाती थी, लोग मुंतकिल होके दूसरी तरफ जाके अपने मकानात बना लेते थे। ये 100 साल के बाद बीमारी आई है, लेकिन उस बीमारी का भी एक इलाका होता था, लेकिन इस बीमारी का कोई एक इलाका नहीं है, ये बीमारी पूरी दुनिया में आई है। तो जाहिर सी बात है कि हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है। जो चला गया ये ना समझिए कि वही गए, अब कोई जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है, न जाने कब चला जाए। लेकिन अल्लाह से दुआ कीजिए कि परवरदिगार मोमिनीन को सलामती के साथ रखना और मोहब्बत अहले बैत पर बाकी रखना, कि जब उठाना तो हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत रहे, हमारे सीने में अहले बैत की मोहब्बत रहे, हमारे सीने में हुसैन और सैयदुश्शुहदा और करबला वालों की मोहब्बत रहे। इसलिए कि यही मोहब्बत कब्र में भी काम आएगी, यही मोहब्बत महशर में भी काम आएगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले, बस अजीजों आज मुहर्रम की 22 तारीख है। तमाम चीज़ों को बताने की ज़रूरत, सब आप जान रहे हैं कि ये 2020 किस तरह से गुज़रा है और किस तरह से अभी गुज़र रहा है। और क्या जाए, एक दिन पहले आपके यहाँ आपके शहर में 4-4 मौतें हुई हैं, लोग दहल गए और बहुत कम उम्र में लोग दुनिया से गए। और क्या, तो अब जाहिर सी बात है कि एहसास तो होगा ना, लेकिन उस एहसास के बाद भी अगर हम न संभले तो फिर हमको कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। और क्या है, खबरों को देखिए तो फिर कि हमारी तरह चलते थे, हमारी तरह गुफ्तगू करते थे, है ना। कब्रिस्तान में जब लोग जाते हैं जुलूस लेके या मैयत को लेके, तो बड़े मशवरे होते हैं,
ये होना चाहिए और अगले साल आया जाएगा तो ये हो जाए, 25 साल से आ रहे कुछ नहीं हुआ, अब अगले साल आवेंगे तो बाउंड्री घेरा जाएगी, ये हो जाएगा। दफन करने के बाद वाकई कोई जाता नहीं है ना यार, दफन के बाद अब इतनी फुर्सत नहीं है लोगों को कि जाएं कब्र के ऊपर कुरान की तिलावत करें, सूरह फातिहा पढ़ें, है कि नहीं, एक नौहे के 2-4 शेर पढ़ दें, है कि नहीं, इसका बहुत बड़ा सवाब है। मैं आपसे कब्र कब्रिस्तान में जाइए, कब्रों के ऊपर जाइए, तवज्जो चाह रहे हैं आप, है कि नहीं। और सबक हमको करबला वालों से लेना चाहिए था, करबला के बाद अहले हरम को 1 साल के बाद रिहाई हुई है तो सीधे मदीने चले जाते, कहा नहीं पहले करबला चल रहा, अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए, अल्लाह मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके बिरादरान को सब्र जमील इनायत फरमाए, है कि नहीं, उनकी अहलिया सुना मासूम बच्चे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लोग परेशान होते कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, है कि नहीं। मौलाए कायनात एक चाहने वाले के करीब है, आखिरी वक्त है, उसने देखा रोने लगा, कहा मौला अब हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, कहा ये बताओ कि तुम्हारे बच्चों का कौन ख्याल कर रहा था, तुम कर रहे थे कि खुदा कर रहा था, कहा खुदा कर रहा था, कहा तुम्हारे मरने के बाद वही खुदा करेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाप जिंदगी में बच्चे बड़े हो गए तो खिदमत कर रहा था, जो मासूम बच्चा शिकवे मादर में है उसको कौन खिला रहा था, उसको कौन रिज़्क दे रहा था, अल्लाह ही तो दे रहा था, तो अल्लाह ही देगा, है ना, और बेहतरीन इंतजाम कर सकता है, उसके हाथ में उसके खजाने में क्या कमी है साहब, है ना, दुनिया के खजाने बंद हो जाते हैं कि नहीं साहब अब सोने का वक्त हो गया है, है ना, खजाना कल सुबह 8 बजे खुलेगा, अल्लाह का खजाना कभी बंद नहीं होता, अल्लाह का दरबार कभी बंद नहीं होता, आओ हम तुम्हें देने के लिए, लेकिन एक लेने का सलीका भी होना चाहिए, और क्या यार, नमाजें पढ़िए, दुआएं पढ़िए, उससे मांगिए, है ना, बच्चा जो है बाप से कोई सवाल करता है तो बाप खुश होता है कि बच्चा मांग रहा फौरन देता है, तो उसी तरह जब बंदा अपने खुदा से सवाल करता है तो खुदा खुश होता है कि हमारा बंदा हमसे सवाल कर रहा है, हमारा बंदा हमसे मांग रहा है, कि जनाजे की जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें दुआ सिर्फ है, सुन लीजिए आप, दुआ है, सबके ऊपर वाजिब है, लेकिन कोई एक भी पढ़ देगा कोई ज़रूरी नहीं कि सब पढ़े, लेकिन जितने ही ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा सवाब है। उसमें 5वीं तकबीर में एक जुमला है कि अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैर, परवरदिगार हम इसके सिलसिले में कुछ नहीं जानते सिवाय खैर के, तो अल्लाह कहता है माफ़ कर दो इसको, या बंदे हो के माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो, खुदा हो के माफ़ करने के लिए तैयार नहीं, यार यही जुमला है आखिरी तकबीर के, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैर, परवरदिगार हम इसके सिलसिले में कुछ नहीं जानते सिवाय खैर के, तो अल्लाह कहता है माफ़ कर दो इसको, बख्श दो। तो अगर 100, 200, 400 लोग किसी की जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और ये कहेंगे कौन ऐसा है कि जो उसकी खताओं के उसके गुनाहों को माफ़ न कर दे, और किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ बस मजलिस तमाम हो रही है, हमारे यहाँ मौत आती है, आखिर वक्त में कोशिश ये होती है कि कुछ पानी के कतरात दफन तक पहुँच जाए, हाँ भाई भी पानी लेके खड़ा है, बच्चे भी खड़े हैं, करीब तरीन अजीज खड़े हैं कि पानी पिला दिया जाए, दुनिया से प्यासा न चाहे, लेकिन हाँ सैयदा का लाल पुष्ट जमीन करबला पे आया, आंख खुली तो क्या देखा, शिमर खंजर लेके आगे बढ़ा, हुसैन आवाज है शिमर में बहुत प्यासा हूँ, हाँ सहरा का लाल प्यासा है, काहे हुसैन मैं तुम्हें ज़िबह करूंगा, आखिरी वक्त है, हुसैन ने देखा कि बहन तिले ज़नबिया पकड़ी आवाज देती है, भैया आवाज दो, ए मेरे मजाए हुसैन कहाँ हो, अरे ये आवाज भाई के कानों से टकराई, घुटनियों के बल बुलंद हुए, ए मेरी बहन खैमे में जाओ, तेरा भाई दुनिया में मौजूद है, ए
हजादारों बहन खैमे के अंदर आई, आवाज गूंजी अला कुतल अल हुसैन बे करबला, अला जुबे अल हुसैन बे करबला। ज़ैनब सैयद सज्जाद के पास आई, ए बेटा क्या बिना उठोगे, ए बेटा देखो कोई कह रहा है कि तुम यतीम हो गए, तुम्हारा बाबा मार डाला गया। कहे फूफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा तो उठाइएगा। अब जो फूफी ने खैमे का पर्दा उठाया, देखा बाप का सर नेजे पर है। आवाज दिया सलाम अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अब्न रसूलिल्लाह। ए फूफी अम्मा हम यतीम हो गए, मेरा बाबा मार डाला गया। सयालम الذين ظلموا ايام قلب انا لله وانا اليه راجعون رضان بقضائه وتسليما بار الله تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اس مختصر سے مجلس کو قبول فرما۔ بار الله ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دینا جو زخم حسین کا مرہم بنتا ہے۔ بار الله ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک تیرے محمد اور محمد کی آل ہم سے راضی نہ ہو۔ بار الله مرحوم کے درجات کو بلند فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ بار الله ان کے گناہوں میں تخفیف کر دے۔ بار الله ان کی اہلیہ، ان کے بچے، ان کے برادران، ان کے اعزاء کو صبر جمیل عنایت فرما۔ بار الله جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور فرما، تمام مومنین کو ان کے ناصروں میں قبول فرما۔ ایک سورہ فاتحہ مجلس کا ثواب سید محمد حسن ابن سید محبوب حسن صاحب کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔